मैजिक वाले से साइड लेना जरूरी हो गया अभी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ। करीब एक डेढ़ हफ्ते हो गए मेरे को शूट किए, और आज N160 की जगह खड़ी है हमारी स्प्लेंडर एक्सटेक 2022। जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेरे को पीलिया हो गया था, तो अभी थोड़ा सा बेटर है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना पीलिया टेस्ट कराने के लिए, तो बस अभी सेटअप किया जल्दी जल्दी में। पता नहीं व्यू कैसा आएगा, जैसा भी आएगा एडजस्ट कर लेना। तो ज़्यादा देर यहाँ टाइम पास नहीं करते, क्योंकि जस्ट सनसेट होने ही वाला है। ये मेरा भाई जो मेरे साथ जाएगा, तो चलते हैं, अब आपको मिलते हैं रास्ते में बाइक से। तो N160 के बाद डायरेक्ट अब हम आ चुके हैं स्प्लेंडर पे हमारी। तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, इसका सीटिंग पोस्चर और उसका सीटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और मैं सीधा आज ही पहली बार बाइक चला रहा हूँ। जब से मैं घर आया हूँ तब से मैं बाइक चलाया ही नहीं, छुआ ही नहीं। कल बस थोड़ी सी कार लेके इधर उधर गया था, पर बाइक मैं इतने दिन के बाद चला रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है अभी तो, और थोड़ी बहुत वीकनेस भी लग रही है, पर देखते चला लेंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वाइज़र भी थोड़ा सा गंदा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसका वाइज़र भी साफ करना था मेरे को, मैं भूल गया। बाकी आप लोग बताओ स्प्लेंडर से व्यू कैसा आ रहा है। ये तो पहला प्यार है, इसी पे गाड़ी चलानी सीखी थी, मतलब ये वाली नहीं, इससे पहले एक स्प्लेंडर थी उससे गाड़ी चलाना सीखा था हमने, और अब चला रहे स्प्लेंडर एक्सटेक 2022। ये मेरे पापा की है, पापा को आज मैंने दूसरी बाइक पे भेज दिया क्योंकि मुझे इसे चलाना था इसलिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, जहाँ पे मैं रहता हूँ ये कोल माइंस एरिया है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता, नॉर्मल ऐसे ही खाली रोड्स है, जंगल चारों तरफ और ठंडा ठंडा मौसम। अभी भी मैंने हुडी पहनी हुई है और मेरे को अच्छी खासी ठंडी लग रही है। बाकी इसको 60 पे चला रहा हूँ तो लग रहा है क्या, मतलब कितनी तेज़ चला रहा हूँ। N160 तो आराम से मतलब 90 तक उसमें बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं आते थे, मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, पर ये भी भाई 90,000 की आती है, तो उस हिसाब से वर्थ तो नहीं है, पर ठीक है भाई। यहाँ पे लोग कैसे भी चलाते हैं भाई, पूरी वाइब्रेशन हो रही है, मेरे दोनों हाथ एकदम वाइब्रेट हो रहे हैं इसमें। और सीट भी इसकी काफ़ी छोटी सी है, पर हम दो लोग बैठ चुके हैं, मतलब चौड़ी नहीं है, मतलब पतली है, छोटी नहीं है पतली है। मैंने ये रास्ता ले लिया है गाइस, तो जो दूसरे रास्ते थे उसमें पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं ले जा सकते, और इसमें चार ही गियर है, मैं बार बार पैर आगे करके फंसा रहा हूँ, और सामने से बस आ रही है, दो दो बसेस आ रही हैं। मतलब मैं सच बोलूँ तो मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा आराम लग रहा है, बस थोड़ी सी वीकनेस है जो कि टाइम के साथ चली जाएगी। खाना पीना तो मैं अच्छे से खा ले रहा हूँ, तो वही आज सोचे ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट तो वहाँ ना था, वैसे मेरे को मोटो ब्लॉग करना था, तो हम कार से भी जाने को जा सकते थे, और देखो बस वाले कैसे चलाते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रैफिक वाफिक आपको दिखेगा नहीं, पूरे रास्ते ऐसे ही रहते हैं खाली खूबसूरत, बस हमारी स्प्लेंडर दिखेगी आपको। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग N160 को मिस कर रहे होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पर अभी कुछ दिन के लिए तो हमें N160 नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब वहाँ जाना मतलब वापस से सेम रूटीन फॉलो करना, और इस वक्त मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 15 दिन तो कम से कम मिनिमम मुझे यहाँ रहना है, तो कोई नहीं, वो तो जल्दी जल्दी कट ही जाएंगे। बाकी आप लोग बताओ रोड कैसे लग रहे हैं आपको। ब्लड टेस्ट कराने जाना है वो उस जगह का नाम है मनेंद्रगढ़, और वो यहाँ से मतलब मेरे घर से करीब होगी 15-20 किलोमीटर दूर, तो वो यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है, हम लोग वहीं जाते हैं हमेशा, जब भी हमको शॉपिंग वॉपिंग करनी होती है, घूमना होता है, कुछ खाना पीना होता है, तो सब कुछ वहीं पर है, तो वहीं जा रहा हूँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए। कोई नहीं, पर है ड्यूक 390। अब बस थोड़ा सा दूर और बस 100 मीटर के बाद एक बहुत प्यारा हाईवे लगने वाला है हमको,
तो चलते हैं वहाँ से, नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो अगर कुछ अच्छा दिख रहा होगा, सनसेट तो खैर हो चुका है, पर एक जगह है वहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं, तो मैं वहाँ रुक के आपको ज़रूर नज़ारे दिखाऊँगा। और ये देखो लेक, छोटी सी लेक नहीं, पॉन्ड बोलेंगे इसको। लग गया मस्त वाला हाईवे, पर इसमें है सिर्फ 4 गियर और इसको 50 से ऊपर भगा नहीं सकते, क्योंकि फिर ये पूरी वाइब्रेट करती है, इससे टेस्ट स्कूटी निकल गई। खैर वो 125 cc और ये 100 cc, कोई नहीं, इसको आराम आराम से, ये सब गाड़ी है गेड़ी मारने के लिए गाइस। और अभी हो चुका है गोल्डन आवर, शाम के टाइम राइड करना, राइड करने में इतना मज़ा आता है ना कि क्या बोले, और शाम का टाइम बेस्ट होता है राइड करने के लिए। ये देखो XUV700, ओहो टैक्सी में XUV700 टैक्सी में चल रही है भाई। ये देखो भाई कैसे भी लोग आते हैं इधर उधर। और यहीं पे मेरा बचपन निकला है, यहीं से आते जाते थे, इस रोड को बनते हुए भी देखा है मैंने। और इस रोड में भगाने की हमेशा तमन्ना रहती थी, पहले लगता था कभी साइकिल मिल जाए तो इस रोड में खूब दौड़ाऊंगा, और आज मोटरसाइकिल दौड़ा रहा हूँ। घाट समाप्त और अच्छे रोड शुरू, बस अब कुछ वक्त और हम पहुंच के जाएंगे मनेंद्रगढ़, जहाँ पे हमें ब्लड टेस्ट कराना है। और गाइस एक रिक्वेस्ट थी, अभी हमारे अराउंड 960 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो बस 40 सब्सक्राइबर्स और बचे 1K होने में। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, पूरा 1K जल्दी से जल्दी करा दो, और जल्दी से मैं ठीक होके वापस जाता हूँ, अच्छे अच्छे N160 से कंटेंट बनाता हूँ। अब थोड़ी टूरिंग वीडियोस भी आएंगी, अभी तक तो मैं इंदौर के आसपास ही घूम रहा था, अब थोड़ा हम लंबा भी जाएंगे, गुजरात वगैरह जाने के प्लान हैं हमारे, तो देखते हैं कब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो तब तक आप सब्सक्राइब कर दो और बस जुड़े रहो, अभी तो सफ़र की शुरुआत ही है, अब तो चलता ही रहेगा ये सफ़र। मैजिक वाले से साइड लेना ज़रूरी हो गया, अभी देख रहा हूँ। तो गाइस अब बस पहुंच ही गए हम ऑलमोस्ट, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, पर ये ट्रैफिक कुछ भी नहीं लगता अभी मेरे को, पहले लगता था यार ये ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, बस यहाँ पे लोगों को सेंस नहीं चलते, फिरते कहीं भी कूद जाते हैं। तो अब हम बस पहुंच चुके हैं, तो आपको मिलता हूँ सीधा जब भी, पहले ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर दी है और अब यहाँ से चलते हैं अंदर, तो चलते हैं। अब हमारा ब्लड टेस्ट जो है हो चुका है, काफ़ी सारा खून निकाल लिया हमारा, तो अब कुछ जूस वगैरह पीते हैं क्योंकि बाहर का तो कुछ खा नहीं सकते, और चलते हैं यहाँ पे। अब इसको दूंगा चलाने को यहाँ पे, तो मैं ब्लॉक कर लेता हूँ थोड़ा सा फ़ोन से, देखते हैं कहाँ जाते हैं। काफ़ी मिन्नतों के बाद हमें फुल्की खाने की परमिशन मिल चुकी है, यहाँ तो मैं पीछे बैठ जाता हूँ, कौन बार बार हेलमेट पहनेगा, चलते हैं। इतने दिन के बाद घर से निकला हूँ ना, तो इतना मज़ा आ रहा है, हवा लग रही है चेहरे पे, करीब 1 हफ्ते बाद घर से बाहर निकल रहा हूँ। कोई भी कहीं भी कैसे भी मुड़ जाता है भाई यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं काफ़ी स्पेशल फुल्की खाने, जो सिर्फ यहीं पे मिलती है, जिसके लिए मैं काफ़ी क्रेव कर रहा था बहुत दिन से, तो देखते हैं वो है कि नहीं। ये है फुल्की वाले भैया, तो जल्दी से खा लेते हैं। तो फुल्की खा के हो गया, अब जा रहे हैं मिठाई लेने, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मिठाई लेके आना वरना घर मत आना, तो जा रहे मिठाई लेते हैं और पाव भाजी भी पैक कराते हैं घर में लोगों के लिए। तू जा मिठाई लेके आ, मैं पाव भाजी लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हैं थोड़ी सी पाव भाजी और चाट लेने के लिए। तो अभी घूमते घूमते हम लोग आ गए गन्ने का जूस पीने के लिए, और भाई से चाय पिएगा, और यहाँ पे ग्रिलिन खोला है नया, तबीयत ठीक होती है तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविच, मेनी मोर। तो चलो गाइस यहाँ पे खा पी के हो गया है, और अब अंधेरा भी हो गया, अराउंड 7 बज चुके हैं, चलते हैं अब नए रास्ते से आपको लेके वापस। चल
ग्रीन, वाइट और रेड, इसी के जगह अगर ऑरेंज होता तो थोड़ा और खूबसूरत लगता, पर कोई नहीं, चलते हैं। यहाँ पे सारी कार मॉडिफिकेशंस की दुकान है, बाइक मॉडिफिकेशन की कोई दुकान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बाइक के कोई शौकीन है नहीं, बाइक लोग यहाँ पे ऐसा डेली कम्यूटर ही समझते हैं, बाकी थोड़े बहुत कार के शौकीन हैं, बाइक भी लोग मॉडिफाई कराते हैं, एवेंजर वगैरह को उसमें सामने थोड़ा सा स्कल टाइप का शेप करा के ना, तो वो थोड़ा सा ही लगता भी है, पर हो गया। उस टाइप की मॉडिफिकेशन हमको नहीं पसंद, हमको अपनी बाइक स्टॉक रखना पसंद है, बस उसको एक्सेसरीज से लोड करना थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखते हैं अब अपनी N160 में हम क्या क्या करामाते करते हैं, क्योंकि मेरा अभी ऐसा है कि मेरे को N160 से ज़्यादा करामाते नहीं करनी, मेरे को बाइक अपग्रेड करना है कुछ टाइम में, मेरे को 250 V-Strom लेना है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो गाड़ी, तो उसका मन बन रहा है मेरा, पर अभी तो नहीं ले सकता उसको, तो वही सोच रहा हूँ कि N160 में काम कराऊँ कि ना कराऊँ, तो देखते हैं, अभी तो समय है इस चीज़ में, तो जो होगा आपको पता चल ही जाएगा। तो गाइज अब आप लोग ये व्यू देखो रात में कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे और ये पूरा रोड की पूरी मतलब इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों की लाइट और स्ट्रीट लाइट जल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, हम लोग यहीं पे घाट पे रुके थे। तो इस वीडियो को भी अब यहीं पे एंड करते हैं अपनी प्यारी प्यारी स्प्लेंडर के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो बताना, अब ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी धीरे धीरे करके, रेगुलर तो नहीं हो पाऊँगा पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।